सब्सक्राइब कीजिए क्रेजी ड्रीम जोन चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी ड्रीम जोन। तो आज के इस एपिसोड में, एपटॉक के एपिसोड में, हम एक ऐसे एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले हैं जो एक 3D गैलरी है। दोस्तों, आपके मोबाइल में जो कन्वेंशनल गैलरी है उसका इस्तेमाल कर आप बहुत ही बोर चुके हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन ढूंढ कर निकाली है। तो ये जो एप्लीकेशन 3D एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल कर आपको बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और जाएंगे प्ले स्टोर में। तो यहां पर प्ले स्टोर में आपको लिखना है 3D गैलरी। तो यहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो यहां पर जो 3D गैलरी है जिसका 4.4 रेटिंग है, इसे आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को। और इसका 4.4 रेटिंग है और 100,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर ऊपर वाले हिस्से में आपको एक स्क्वायर दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करने के बाद आपकी जो फोल्डर्स होते हैं उसका मतलब फॉर्मेट ही चेंज होता है। तो ये आप देख रहे हैं। तो चलिए जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे वैसे इसका फॉर्मेट ही चेंज हो रहा है। ये जो 3D एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत ही मजा दिलाने वाला है। नेक्स्ट है हेलिक्स। तो हेलिक्स में ये हेलिक्स जैसा घूमेगा। अभी ये सर्कल में जाएगा तो जो आपके फोल्डर्स है वो आपको सर्कल में दिखाई देंगे। अभी स्पाइरल 2, ये स्पाइरल में घूमेगा दोस्तों। तो यहां पर वर्टिकली ये मूव होगा। ये सब जो है ये वर्टिकल के ऑप्शंस है। अभी वर्टिकली स्लोप, ये देखिए ये आपको 3D एक्सपीरियंस दिलेगा। ये वर्टिकल का एक नया ऑप्शन है। ये हेलिक्स है और ये देखिए स्पाइरल, ये बहुत ही अच्छी मतलब ऑप्शन है। यहां पर जैसे जैसे आप मूव होगे वैसे ही ये स्पाइरल भी नीचे आता रहेगा। तो इस तरह दोस्तों आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो चलिए हम इसमें से एक फोल्डर सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखिए ये मेरा फोल्डर है। तो यहाँ पर आपको ये 3D एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये गैलरी इस्तेमाल करते समय आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे एप्लीकेशन आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। आप इसे सेलेक्ट कर आपके फोटो यहां पर देख सकते हैं। यहां से आप बैक जा सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, कैमरा, स्लाइड स्पीड, या किसी को इनवाइट करना है तो आप यहां से इनवाइट कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपको दोस्तों कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। और आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आपको कोई सलाह या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।